हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की रीडिंग थोड़ी सी वियर्ड काइंड ऑफ है, क्योंकि मुझे एक विजन मिला कि एक आदमी था जो बेड से ऐसे उठा और वो गेट से बाहर निकल गया। सो दिस माइट बी किसी का रनर, ठीक है। आई जस्ट कॉल मैस्कुलिन टुडे रनर को, मेरे लिए आसान होगा मैसेजेस डिलीवर करना, ठीक है। आपका डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, जस्ट स्विच द रोल, ठीक है। ये एक मैस्कुलिन है, ठीक है, जो ऐसे बेड से उठा घर से बाहर एंड गॉन। उसके बाद उस घर के अंदर मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हुई, विच टेल्स मी कि यहाँ पर किसी का रनर है जो अपने कार्मिक को बिना बोले ही गायब होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इट्स लाइक दोनों रात को एक साथ सोने गए, सुबह उठा कार्मिक देखती है डिवाइन मास्कुलिन गॉन, या काम से वापस आती है और देखती है डिवाइन मास्कुलिन के साथ साथ उसका सारा सामान इज गॉन, ठीक है। नाउ आई रियली वॉन्टेड टू आस्क कि ऐसा क्यों। वील जस्ट सेट अ फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में चल रहा था लाइक एट दैट मोमेंट, एंड मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। एंड वील सी कि कार्ड्स हम लोग को ऑब्वियसली आंसर्स दे देंगे। पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या इससे बेहतर तरीका नहीं था। आई मीन बोल के सामने से भी तो जा सकते थे कि मुझे डिवोर्स चाहिए या आई वॉन्ट टू गो लीव, आई डोंट वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, बोल के भी तो जा सकते थे। ये बिना बोले जाने का क्या मतलब होता, लाइक क्यों। ये हमारा पहला सवाल है। हाँ, give this a nice shuffle. Your ways are toxic, repeating what was sown. Okay, ये कार्मिक्स के लिए है, ठीक है। इट फील्स लाइक कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं था। ये कार्मिक बहुत ही टॉक्सिक है एंड प्रॉब्ली इस डिवाइन मास्कुलिन को इस बात का रियलाइज हो गया कि ये औरत पागल है या ये टॉक्सिक है, या आई एम हियरिंग कि इस पर्सन के साथ रह करके मेंटली इमोशनली वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे थे, टू द पॉइंट शायद दे गॉट काइंड ऑफ एनी अडिक्शन, शायद यू नो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स एंड ऑल दैट स्टफ, शायद किसी यू नो ड्रग्स का ये का बैड हैबिट का प्रोन हो गए थे इस टॉक्सिक पर्सन के साथ रह करके। एंड मैस्कुलिन ये भी कह रहा है कि रिपीटिंग व्हाट वाज सोन, तो ये कार्मिक प्रॉब्ली गलत रीजन से इस मैस्कुलिन को अपने पास बांध के रखे हुए थे। दिस टू वांट्स टू कम, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर अस, ठीक है। ये आपका मैस्कुलिन कह रहा है कि वो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है। योर मैस्कुलिन माइट बी अ टीचर बिकॉज वी हैव द टीचर कार्ड, या आप एक टीचर हो, ठीक है। स्टीलिंग चीटिंग लाइज स्टोल आर अनबिलीवेबल, ओके। तो ये कार्मिक का झूठ पकड़ा गया है इस मास्कुलिन को, रियलाइज हुआ है कि ओ माई गॉड मैं एक फॉल्स पर्सन के साथ अटका पड़ा हुआ। ये आपका मास्कुलिन भी हो सकता है जिसने अपने आप से झूठ बोला था, ऑफकोर्स अगर उन्होंने भागा आई एम वो एक सी हम जो अपने अंदर से जो चीज़ों को करते हैं ना, बाहर भी वही मैनिफेस्ट होता है। उन्होंने आपको लेकर के अपने आप से झूठ कहा एंड एक फॉल्स रियलिटी को उन्होंने जन्म दे दिया। दे अट्रैक्टेड समबडी एज फेक एज जैसे वो फेक बन रहे थे, राइट। एंड ही इज़ लाइक ये तो शायद मुझसे भी यू नो एक काटी ऊपर है। स्टीलिंग चीटिंग लाइज स्टोल्स आर अनबिलीवेबल, ये कार्मिक बहुत झूठ बोली है लाइक प्रॉब्ली आपके अगेंस्ट भी। यह स्पेल वर्क मैजिक, स्पेल टूट गया,
और कुछ नहीं, द स्पेल जस्ट ब्रोक बिकॉज अगर वो इमोशनली मेंटली हैरेस हो रहे थे, मतलब ये कार्मिक लिटरली इस मैस्कुलिन के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा और इसका एक असर आप पर भी हुआ होगा कि आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता होगा, थोड़ा क्लाउडेड जजमेंट होता होगा, आप लाइक लिटरली आपको फील होता होगा कि क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन, यू नो लोग आपको ऐसे बोल रहे होंगे, यू नो डाउट कर रहे होंगे आपके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, एक असर आप पर भी शो करता होगा। सो मेरे ख्याल से इस मैस्कुलिन के पास और कोई चॉइस नहीं था, ही हैड टू लीव द वे ही डिड। आई एम हियरिंग ये तमाशा कर देती, मुझे फंसा देती, झूठी केस में उलझा देती। सो दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक बिच वुमन जो अपने जिद के चलते इस मैस्कुलिन को अपने पास रोक के रखती। सी प्रॉब्ली इस कार्मिक ने आपके मैस्कुलिन को देखा होगा और बहुत ही टॉक्सिक तरीके से, यू नो फेटल अट्रैक्शन नहीं होता, द ऑब्सेसिव, द जुनून, जुनून प्यार नहीं है, जुनून उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था। एंड शी डिड स्पेल वर्क एंड स्टफ उसे अपने पास रोकने के लिए, लाइक यू ऑल नो व्हाट आई एम सेइंग राइट, आप लोगों को पता है। लेट्स आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। ओके, ये आपके लिए भी हो सकता है, आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए है, इट्स मोर लाइक द कार्मिक के लिए कि वो आपसे डरते हैं। ये रिसेंट, अगर रिसेंटली आपको आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक हुआ था एंड इट डिड नॉट वर्क ऑन यू, लाइक आप सक्सेसफुली उसे रिवर्स कर पाए या समथिंग, तो कार्मिक आपसे डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका स्पेल वर्क आपके ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। एंड अगर ये किसी मैस्कुलिन ने कुछ किया है उल्टा पुल्टा, यू नो कार्मिक मैस्कुलिन, जब सी अगर कोई मैस्कुलिन टॉक्सिक अपने डार्क साइड से फंक्शन कर रहा है, वील जस्ट कॉल इम दैट टॉक्सिक, ठीक है। तो उसे अब डर लग रहा है कि उसने जो कुछ भी आपके साथ किया है अब उसके साथ भी वही होने वाला है, या फिर वो आपको खो देंगे, ठीक है। बट दिस इज़ मोर मैसेज सेइंग कि वो आपसे डरते हैं, तो प्रॉब्ली वो अपने कार्मिक से डरते हैं, ठीक है। वो आपसे क्यों डरेंगे, राइट? वाई इज़ दिस मैस्कुलिन अफ्रेड ऑफ यू? अगर मैस्कुलिन आपसे डरते, क्यों आपसे डरते? सेल्फ पिटी, वर्बल मेंटल अब्यूज, नाउ आई नो व्हाट यू वेंट थ्रू, आई रिस्पेक्ट योर हसल, राइट? सी आपका मैस्कुलिन अगर आपसे डर रहे हैं, इट्स मोर लाइक अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, दिस इज़ मोर लाइक अ कार्मिक मैस्कुलिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन, जब वो अपने कार्मिक जोन में था या जब उसके ऊपर स्पेल वर्क किया गया था। लिसन, प्लीज़ डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस कि मैम उसे पता नहीं था इसलिए वो सब किया। स्पिरिचुअली थप्पड़ पड़ेगी यूनिवर्स की तरफ से अगर ऐसा बकवास किया। यू आर सपोज टू वर्क ऑन योर सोल एंड बी स्ट्रॉन्ग, फाइट बैक, अपने टेम्पटेशन को फाइट बैक करना होता है, ठीक है। वो डेविलिश वेज को अपने सोल से दूर रखना होता है। कोई अगर उसे अपनाता है उसके लिए हम एक्सक्यूजेस नहीं डालते। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के अपना चुतियापा मत उगलना, आई गेट रियली इरिटेटेड बाय दैट। देर इज़ वर्बल मेंटल अब्यूज एंड देर इज़ सेल्फ पिटी। सी द थिंग इज़ कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, दिस इज़ मोर लाइक अ टॉक्सिक मैस्कुलिन साइड, तो प्रॉब्ली आपके डिवाइन मास्कुलिन ने किसी और के साथ ये किया होगा एंड दे आर रीपिंग द कार्मा फॉर इट। सी देर इज़ अ नेटवर्क जो यहाँ पर प्ले आउट होता है। इट्स लाइक अगर आप किसी मास्कुलिन के साथ कुछ गलत करोगे, दुनिया के किसी और कोने में कोई आपके डिवाइन मास्कुलिन के साथ, कोई फेमिनिन उनके साथ गलत करेगा, कार्मा पेइंग बैक। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों जुड़े हुए हो, योर स्प्रिट सोल्स। आप कुछ अच्छा करोगे फ़ायदा दोनों को होगा, कुछ गलत करोगे गिरोगे साथ में, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया, कोई मैस्कुलिन आकर के आपके साथ गलत करेंगे,
इट मूव्स इन अ साइकिल. इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी दैट यू डू समथिंग एंड योर काउंटर पार्ट सफर्स फॉर इट. वो लिटरली इस कनेक्शन को अब जोड़ पा रहे हैं कि हाउ दीज थिंग्स हैज़ वर्कड आउट. ठीक है, सो दिस इज़ अ कार्मिक, द कार्मिक फेमिनिन. ये वर्बली अब्यूज़ करती होगी, झूठे इल्ज़ाम लगाती होगी, बुलिंग आई एम हियरिंग, जान बूझ के उस पर यू नो झूठे इल्ज़ाम लगाते होंगे आउट ऑफ हर ओन इनसिक्योरिटीज. कि उसे शक करने की बीमारी है तो वो नॉन स्टॉप यू नो इस मैस्कुलिन के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती होगी, उसे हैरेस करती होगी कि नहीं. इट्स लाइक वो अगर पास के मॉल में भी जा रहा है कुछ सामान लेने के लिए या मार्केट प्लेस में जा रहा है, वो घर में बैठ के उसके दिमाग में दौड़ता रहता है पता नहीं उसे यू नो कौन सी नई बंदी मिल जाए, और हो सकता है कि यू नो उसका कहीं चक्कर चल रहा है. वो बस गया है कुछ सामान खरीदने के लिए एंड दिस फेमिनिन घर यू नो घर पे बैठ के, कार्मिक फेमिनिन घर पे बैठ के सोच रही होगी कि पता नहीं वो मुझे धोखा दे रहा होगा, मॉल में किसी खूबसूरत लड़की से यू नो वो टकरा गया होगा, बात कर रहा होगा अब उन लोगों के बीच में यू नो कुछ. इट्स क्रेजी. एंड देन जब ये मैस्कुलिन घर वापस लौट के आता है, ये उसे स्टॉक भी करती होगी शायद, उसका पीछा करती होगी देखने के लिए कि यू नो मार्केट प्लेस में वो क्या करता है. एंड अगर वो घर वापस भी आता है, शी लाइक ब्लास्ट हिम से कि इतना वक्त क्यों लगा, किसके साथ बिजी हो गए थे, यू नो ऑल द टॉक्सिक बिहेवियर्स, सेल्फ पिटी. यस, दिस विच इज सेल्फ पिटिंग, वेरी सेल्फ पिटिंग. खुद ही बोलेगी, खुद ही इल्ज़ाम लगाएगी, खुद ही रोएगी और फिर विक्टिम प्ले करेगी. नाउ आई नो वॉट यू वेंट थ्रू, आई रिस्पेक्ट योर हसल. लाइक लिटरली अब जब दे आर सीइंग, दे एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट हैंडेडली, अब इस मैस्कुलिन को रियलाइज़ हो रहा है कि जब वो इस तरीके से बिहेव करते थे तो आपके ऊपर क्या गुजर रहा था. दिस इज़ अ कार्मिक मैस्कुलिन. ठीक है, ये आपका एक्स हस्बैंड हो सकते हैं एंड आपको लगा होगा कि यू नो इसने इतना गलत किया, क्या मुझे कार्मिक जस्टिस मिलेगा. यस, मिल रहा है, क्योंकि कोई और उसके साथ वही कर रहा है जो उसने कभी आपके साथ किया है. ओके, वी हैव जेमिनी. ये आप या आपका पर्सन जेमिनी हो सकते हो और हैवी जेमिनी प्लेसमेंट्स हो सकते हैं. वी हैव डिसेप्शन एंड इट्स रिवर्स. तो यहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं है. ये धोखाधड़ी नहीं है, किस बात की धोखाधड़ी नहीं है, आई नीड अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट. क्रिएटिंग न्यू रियलिटी बाई बींग यू. यहाँ पर कोई ओके, दिस मैस्कुलिन हैज़ मेड अ चॉइस. ठीक है, कि वो अब और अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा, अपने आई एम नॉट बींग एबल टू से द वर्ड ऑथेंटिसिटी. ठीक है, तो प्रॉब्ली इस पर्सन को उसके थ्रू चक्रम इशू हो रहा होगा. ऑथेंटिसिटी में आने की वो कोशिश करे, और ये कोई धोखा नहीं है, दे आर ऑनेस्टली. ठीक है, अपने अपनी उसका जो एक कनेक्शन है डिवाइन के साथ, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. क्रिएटिंग न्यू रियलिटी बाई बींग यू. यस, वो लिटरली अपने आप में आ रहे हैं नाउ, दे आर लाइक रियली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ. वी हैव द रूट चक्र. उनकी स्टेबिलिटी में इस वक्त इशू हो सकता है, सर्वाइवल इशूज एम हियरिंग. ठीक है, जान का खतरा भी हो सकता है प्रॉब्ली इस कार्मिक से, अगर वो पागल है साइको है तो. ऑफकोर्स नहीं तो कोई ऐसे बीच रात को क्यों गायब हो पा रहा है. चेसस, चेसस के लिए कोई मैसेज आ रहा है. ओके, व्हाट इज द मैसेज फॉर आर चेसस राइट नाउ. चेसस के लिए क्या मैसेज है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टैग्नेंसी. ओके, यहाँ पर कोई चेसर है जिसके लाइफ में इस वक्त आप कंप्लेन कर रहे होगे कि यू नो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, यू नो ब्लॉक्ड फील करे. लेकिन अगर आप चेसर हो, आपको डिवाइन ने पहले ही कवच कर दिया है, ताकि ये मैस्कुलिन जो अभी डेवलप कर रहा है पर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, उसे अभी बहुत परीक्षा देनी है, अपने आप को अलाइन करना है. दे आर स्टिल इन दैट अवेकनिंग प्रोसेस राइट. तो
ऐसे में वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ना वो पहुंच पाएंगे ना कार्मिक्स पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर कोई मैस्कुलिन ऐसे बीच रात के उठ करके वो गायब हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये कार्मिक पागल हो करके आपको अब टारगेट बनाएगी, वो बदला लेगी, बदला लेने की कोशिश करेगी, एंड देयर इज स्टैग्नेंसी. लिसन, अपने आप को स्टैग्नेंट मत करो, दिस इज़ मोर लाइक आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो आगे बढ़ने से. डोंट गेट इन टू दैट को डिपेंडेंसी कि वो आएंगे तभी ये होगा वो होगा. नो, मेक थिंग्स हैपन फॉर योर सेल्फ, यूर एन इवॉल्व सोल. अगर हो तो देन यू शुड बी एबल टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन. योर रीडिंग अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, सो ये कार्मिक्स का क्या सिचुएशन है, ये कार्मिक से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मैस्कुलिन्स अपने आप को सेफ रख पाएंगे, लाइक इन कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कर पाएंगे, एंड ये कौन है, लाइक हु इज़ दिस कार्मिक, इज़ दिस द वाइफ और द मदर, ठीक है, बेबी मामा व्हाटएवर, ये है कौन जिससे ये मैस्कुलिन भागा है. ठीक है, Angels, please give us some messages. Okay, we have the heart chakra. Yes, the person अपने heart chakra से function कर रहे हैं. आप अपने heart center में आप अपने person को connect कर पाओगे. Probably because इस black magic के वजह से उनका heart chakra बंद हो गया था और वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे होंगे. बट नाउ यू विल बी एबल टू फील योर पर्सन. आई ट्राइड सो हार्ड ऑल माई लाइफ एंड व्हेन आई फाइनली लेट गो लाइफ बिगन. यू लव यू टू द मून एंड बैक. लिसन, ये आपका मैस्कुलिन आपको कह रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें कंट्रोल इश्यूज थे, ठीक है, वो हर चीज़ अपने लाइफ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉपर्ली मैनिपुलेट करके आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे. अगर उन्हें ट्रस्ट इश्यूज था तो बार बार करके आपकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे होंगे. दे वर एक्टिंग ऑल ओवर द प्लेस और यू नो कार्मिक्स के साथ घिरे हुए थे. कार्मिक्स की बकवास सुन करके, उनके बातों पर यकीन करके उन्हें सेल्फ डाउट होता होगा और वो आपके आपको बार बार करके आपकी परीक्षा लेते होंगे, राइट. पर फाइनली जब उन्होंने लेट गो करा, ठीक है, लाइफ बिगैन, मतलब अब वो गोइंग विद द फ्लो, वो सीख रहे हैं. लव यू टू द मून एंड बैक. वो लिटरली इट्स लाइक वो चांद तक जाकर वापस आए जस्ट टू बी विथ यू. एंड राइट ना उनकी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वो अब हेल से गुजर के आएंगे, हेल एंड बैक, एंड इट्स फाइन. डार्क नाइट ऑफ द सोल इज हेल. स्पेंड करें ये लास्ट में पढ़ना. ओके, ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, बीइंग स्टूपिड एंड मे बी हर्टफुल. यस, जस्ट यही मैं कह रही थी कि आपका पर्सन, आपका यू नो आपकी परीक्षा लेने के चक्कर में, आपका अटेंशन पाने के चक्कर में, समझने की कोशिश करने में कि आपके भीतर क्या चल रहा, क्या वो आप पर भरोसा कर सकते कि नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ स्टूपिड किया, ठीक है, ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, आपका अटेंशन पाने के चक्कर में उन्होंने कुछ स्टूपिड किया है एंड बहुत हर्टफुल भी किया होगा एंड एवरीथिंग बिकेम बैड. या प्रॉब्ली ये इसी बारे में बात कर रहे हैं, राइट, कि रिसेंटली उन्होंने शायद किसी को फॉल्स कमिटमेंट दिया था आपको हर्ट करने के लिए, आपसे रिएक्शन पाने के लिए, यू नो द टॉक्सिक मैस्कुलिन शिट दे डू. यू नो अगर उनकी परवरिश टॉक्सिक सिचुएशन में हुई है, जो हमें पता है हुई है, अगर उन्हें गलत फहमी है कि कोई अगर उनके लिए रोता है बिलखता है तो ही उनसे प्यार करता है, तो जब आप बिजी हो गए अपने लाइफ को लेकर के, अपने सेल्फ लव में आप यू नो असेंड कर रहे थे, उन्हें इनसिक्योर फील हुआ, उन्हें लगा कि आप वो आपको खो देंगे या आप कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, वो आप तक पहुँच नहीं सकते, दे मस्ट हैव गिवन समबडी अ फॉल्स कमिटमेंट कि वो रिलेशनशिप उसके लिए मायने नहीं रखता, बट सिर्फ आपको एक सर्टेन वे में फील कराने के लिए या
आई डोंट नो, आपको हर्ट करके, आपकी एनर्जी ड्रॉप करके अपने लेवल तक, अपने स्तर तक गिराने के लिए शायद उन्होंने कुछ हर्टफुल काम किए होंगे, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. वो खुद अपना इनर वर्क नहीं कर रहे थे और आप जब इनर वर्क कर रहे थे दे वर अटैकिंग यू ताकि वो आपको अपने लेवल तक गिरा सके. व्हाट द फक हैव यू गाइस बीन डूइंग? हाउ स्टूपिड इज दिस? स्लीप लॉस. यहाँ पर कोई है जो सो नहीं पा रहा है? नहीं भाई, मैं तो बढ़िया सो रही हूँ. लाइक सीरियसली, मुझे इनफैक्ट बहुत नींद आ रही है. आई एम हाफ इन द हर्मिट मोड. मैं लिटरली आई एम बैलेंसिंग थिंग्स आउट. दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट बट देयर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम. दे विल लूज देयर माइंड. यहाँ पर अगर किसी कार्मिक ने, अगर आपका गिफ्ट उन्होंने चुराने की कोशिश किया था क्योंकि वो कॉपी कैट है, वो आपकी तरह बनना चाहते थे, ऑल दैट स्टफ, आई एम हियरिंग कि इस पर्सन को पता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, राइट? सो दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट, पर उनके सोल में, उनके बॉडी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो आपके गिफ्ट को होल्ड कर पाए. द मैजिक बैकफायर्ड एंड दे आर लूजिंग देयर माइंड राइट नाउ. दे वॉन्टेड यू डेड बट यू हैव अ पर्पज. ओ माई गॉड, यहाँ पर किसी पर जान पर हमला हुआ. दे वॉन्टेड टू किल यू. अब यहाँ पर कुछ एथिस्ट चूतिया उठ करके आएंगे, आकर बोल के मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो. हाँ, ये सब नहीं होता. होता है, हो रहा है, हो चुका है. मैं खुद फेस कर चुकी हूँ. सो डोंट कम हियर एंड शिट. जाओ. यू नो, यहाँ पर कुछ एथिस्ट अभी नए नए हमारे चैनल पे आए हैं. नहीं, हमें सबके बारे में बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ना भगवान के नाम पे मजाक उड़ाया. ठीक है, उन्हें कभी यकीन ही नहीं था जो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल. पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने ही स्टूपिडिटी का प्रदर्शन किया है. एंड अब जब उन्हें कारमा मिल रहा है ना, अब अचानक से उन्हें चर्च और मंदिर और मस्जिद हर जगह उन्हें दौड़ के जाना होता है. ठीक है, अब अचानक से उन्हें भगवान की याद आ गई. खुदगर्ज लोग, स्वार्थ से भरे. एंड ऐसे चैनल्स पे जा करके ना वो दूसरों के श्रद्धा पर उंगली उठा रहे. लाइक लिटरली किसी ने उससे मुझे आकर के कहा कि आपके अपने आप को भगवान समझते हो. अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं भगवान हूँ? मैंने तो हमेशा यही कहा कि मैं उनकी निमित्त हूँ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ. चूतिया जैसे बात मत करो. तुम लोग की छोटी सोच ना यहाँ पर वेलकम्ड नहीं है. तुम यहाँ पर मेरे चैनल पे आए हो क्योंकि तुमने कुछ कांड किया है और अब कन्फ्यूज्ड हो गए. तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है. तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो क्लैरिटी पाने के लिए. ठीक है, कम विथ ग्रैटिट्यूड. ये ग्रैटिट्यूड नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, इसलिए लात पड़ रही है हर तरफ से. एंड यू फकिंग डिजर्व इट. कार्मिक चूतिया कहीं का, अभी अभी नए नए बिलीवर बन रहे हो क्योंकि लात पड़ रही है, तो अलग अलग चैनल्स पे जा कर के जो ऑलरेडी यू नो डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन, अपना बॉन्ड वो स्ट्रेंथन कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को साधना में कन्वर्ट कर दी, उन पर जाकर उंगली मत उठाओ. तुम लोग का आइडिया भी नहीं है कि हमारे पीछे कौन खड़े हैं. ठीक है ना, वैसे तो हम अपने लिए बोल सकते हैं, बट देन उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए. डोंट इवन मेस विद अस राइट नाउ. आई डिडंट बिलीव यू. ओह, आई शुड हैव. यस, यहाँ पर ये मैस्कुलिन कह रहा है कि आई एम हियरिंग कि आपने शायद अपने मैस्कुलिन को कहा था कि तुम्हारी जो माँ है वो एक नंबर की कमीनी है, शी इज़ अ फकिंग नार्सिसिस्ट. वो गेम खेल रही है, वो तुम्हें एक दोगला इंसान बना रही है और उसके सिखाए हुए सारे टीचिंग्स को शायद आपने चैलेंज किया होगा सेइंग कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये गलत है. ठीक है, और उन्हें शायद यकीन नहीं हुआ होगा या उन्हें लगा होगा कि यही तरीका है ज़िंदगी जीने का. एंड समहाउ वो अपने टॉक्सिक मदर्स
का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, या उन्हें वो एक्चुअली में जो एक चुड़ैल है वो उस रूप में उन्हें देखना नहीं चाहते थे। बट फैक्ट यही है, आपने शायद पहले से उन्हें वॉर्न किया था कि योर फादर इज़ नार्सिसिस्ट एंड वो जिस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है इट्स रॉन्ग। आज अगर तुम टॉक्सिक हुए हो क्योंकि पूरा बचपन तुम्हारे फादर ने तुम्हें अब्यूज़ किया है एंड दिस इज़ नॉट द वे उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, तुम मेरे साथ कर रहे हो या घर के दूसरों के साथ कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बिहेव कर रहे हो, दिस इज़ नॉट द वे। आपने शायद अपने मैस्कुलिन को अपने फेमिनिन्स को करेक्ट करने की कोशिश किया होगा दैट दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ। ये तुम्हें इंसान के स्तर से नीचे गिरा रहा है पर वो सुन नहीं रहा था, सुनना नहीं चाहता। इमीडिएटली अपना ईगो का जो वॉल है वो एकदम ऐसे डिटैच्ड हो गया होगा कि नहीं, डिनाइल में जाते हुए दे लाइक नो आई डोंट वांट टू नो दिस, डिफेंसिव हो गए होंगे। बट नाउ दे आर लाइक नहीं, मेरी डिवाइन फेमिनिन से कह रही थी यार कितने लंबे समय तक मैं यहाँ पर था। इट्स लाइक अब जब सब कुछ बिखर चुका है, द टावलरी हिट, एवरीथिंग केम डाउन, उनके सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनका तीसरा नेत्र खुल चुका है, नाउ दे आर लाइक नो वरीज। अगर वो पहले ही सरेंडर कर लेते तो कितना अच्छा होता, बट देन एवरीथिंग आई एम हियरिंग कि ऐसा ही होना था एंड इट्स फाइन, ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, आई एम हीलिंग, थैंक यू फॉर बीइंग द लाइट इन माय डार्केस्ट टाइम। यस लिसन, अगर आपको लगता है कि आपका रनर आप पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्चुअली उन्होंने कभी भी आपको स्टॉप करना छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट अभी भी अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो या ब्लॉग्स लिखते हो या कुछ भी, आपके कोई मिडिल पर्सन है जो आपसे मैसेज लेकर के जो लाइक आपको जानते हैं, आपसे रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, तो वो भी उनसे बात करते होंगे जानने के लिए कि कोई सलूशन हो सकता है कि नहीं। लाइक वो लिटरली आपके सारे अच्छे जो बातें हैं वो लिटरली अपने लाइफ में वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे। देर आर कुछ मैस्कुलिन्स यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलिन्स, जो अपने भले के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए कुछ चेंजेस, वो आई एम हियरिंग पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंटली कुछ अमेजिंग चेंजेस अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे एंड उनके आसपास वाले उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऑफकोर्स इफ यू आर डीलिंग विद कार्मिक्स एंड नार्सिसिस्ट एंड एनर्जी वैम्पायर्स, क्यों वो आपको ग्रो अप करने देंगे, वो तो आप पर फीड करते हैं, राइट? वो आपसे अग्री कैसे कर सकते हैं? दे नीड यू टू बी वीक ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके, दे नीड यू टू बी को डिपेंडेंट। वो चाहते हैं कि आप विक्टिम मेंटालिटी में हो, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एज अ विक्टिम देखो और हमेशा उनकी सेवा में मौजूद रहो, जबकि उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी और आप विलेन का साथ दे रहे हो। आई एम हियरिंग दिस मैस्कुलिन स्लेप्ट विद द एनिमी। ऑफकोर्स तुम लोग घर कर रहे थे कार्मिक्स के साथ, जो धीरे धीरे तुम्हारे सोल को, तुम्हारे अंदर की करुणा को ख़त्म कर रहा था, राइट? बट नाउ दे आर सीइंग दैट दे आर ट्राइंग टू चेंज एंड अब उन्हें ऑपोजिशन फेस करना हो रहा है। प्रॉब्ली इसलिए ये डिवाइन मैस्कुलिन रात को उठ के भागा है क्योंकि ये कार्मिक की असलियत उसे समझ में आ गई है एंड उसे पता है कि यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इट्स नो पॉइंट, मैं अपनी डिवाइन फैमिली के पास जाता हूँ जो मेरी रियल वन है। यू लव मी व्हेन आई फेल टू लव माई सेल्फ, आई फेल टू लव मी, यस। ये कह रहे कि जब उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब वो टॉक्सिसिटी में लथपथ हो रहे थे और आपने उन्हें उस वक्त भी अनकंडीशनल प्यार किया और आज भी करते हो, और इसलिए दे आर सेइंग थैंक यू टू यू, बहुत ग्रेटफुल है वो आप प्यार से, ठीक है ना? प्यार अंधा नहीं होता, ठीक है ना? प्यार अनकंडीशनल होता है पर अंधा नहीं होता। यू विल वांट देम टू कम बैक बैलेंस्ड आउट। अगर सुबह का चैनल मैसेज नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मून एनर्जी हील्स योर इमोशनल बॉडी, वर्क विथ वाटर,
यस वाटर फास्टिंग करो मून साइकिल्स के दौरान, डू योर फास्टिंग. मैं नहीं कह रही हूँ कि जाओ जाकर के वहाँ पर मैनिफेस्टेशन करो, थप्पड़ खाओगे अगर ऐसा बकवास किया तो, कोई मैनिफेस्टेशन करो या किसी इंसान को ज़बरदस्ती उनकी इच्छा के खिलाफ अपने घसीट के अपने पल्लू में बांध लो. नो, हीलिंग वर्क करो कि अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर है, कोई वूंडिंग है, उसे चंद्रमा से रिक्वेस्ट करो कि देव आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मैं इससे उभर सकूँ. इट्स मैं सफ़र बहुत कर चुका हूँ और कर चुकी हूँ, आई नीड टू रिलीज दिस. ऐसे इंटेंशन सेट करके वाटर फास्टिंग करो एंड कंप्लीट. इट्स द सेम जैसे हम अपना फास्टिंग तोड़ते मंदिर में जाकर के, यू नो, शिवलिंग में पानी चढ़ाना एंड ऑल दैट. इट्स द सेम थिंग, चंद्रमा को देख करके पानी अर्पण करो एंड ब्रेक योर फास्ट. ठीक है, वर्क विथ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, डू स्पिरिचुअल बाथ. माई इनसिक्योरिटीज गॉट द बेस्ट ऑफ मी. येस, योर पर्सन वॉज वेरी इनसिक्योर. ऑफकोर्स नासिस के हाथों अगर पले बड़े हुए तो इनसिक्योरिटी होगी. आई एम हेयरिंग कि यहाँ पर कुछ मास्क में ऐसे है जो अपने बॉडी को लेकर के बहुत इनसिक्योर है, बॉडी पार्ट्स को लेकर के, अपने हाइट, ये वो. आई जस्ट हैड हर्ड बाय प्राइवेट. आई हैव टू गिव द मैसेजेस जो आ रहे राइट, मैं अपने तक नहीं रख सकती. ओके, न्यू लेवल, न्यू डेविल. ये मेरे, हम, ये आपके और मेरे लिए, ये हमारे चेसेस के लिए है कि जब भी आप नए लेवल पे जाओगे एक नए लेवल का डेविल आपको मिलेगा. लाइक जितना आप एक्सपैंड करोगे, ये भी जो टॉक्सिक लोग आपके तरफ आएंगे, जो एंटिटीज आएंगे, वो और पावरफुल बन के आपके पास आएंगे, ऑपोजिशन बन के. ओके, मैंने सवाल पूछा था कि इसको क्या सवाल पूछा, तो मैं वो भी भूल गई. ओके, आई चोज रॉन्ग, ये आखिरी मैसेज है. हाँ, आई चोज रॉन्ग, वो एडमिट करे आप, इतना सब कुछ होने के बाद वो एडमिट कर रहे. आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स थप्पड़ खा चुके हैं अपने कार्मिक्स के ऊपर. मैं सुबह की चैनल मैसेज में कह रही थी, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स, उसके दो पार्ट से मैंने पोस्ट किया हुआ था. लिटरली वहाँ पर मारपीट चल रहा था, लाइक जब मैं वो एनर्जी पिक कर रही थी. इसीलिए हमें अलग रखा गया है कवच में, ताकि वो एनर्जी से हम डिस्टर्ब ना हो. आई टुक यू अवे फ्रॉम देम बिकॉज यू वर बीइंग कर्स्ड अननेसेसरीली. देखा, मैंने जस्ट कहा, इसलिए यूनिवर्स ने हमें वहाँ से पृथक किया है, कवच किया है, ताकि वो सारी चीज़ें हमें इफेक्ट ना करें. दिस इज यूनिवर्स सेइंग कि मैंने तुम्हें वहाँ से इन लोगों से अलग इसलिए किया है. आई टुक देम अवे फ्रॉम यू, सॉरी आई टुक यू अवे फ्रॉम देम. ठीक है, मैंने तुम्हें उन लोगों से यहाँ हटा के लेकर के आया हूँ, क्योंकि वो लोग तुम्हें कर्स कर रहे थे अननेसेसरीली, ज़बरदस्ती का, बेकार में. ये रक्षा के लिए है. ओके, वी विल मेक इट थ्रू दिस. हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन अस. लेट्स नॉट गिव अप राइट नाउ, नॉर रादर मूव अहेड. तो यहाँ पर, या दिस इज कमिंग विद द स्टैग्नेंसी एनर्जी. इट्स लाइक प्लीज एक्साइटमेंट में रश मत करो किसी चीज़ को लेकर के. ठीक है, चीज़ें जैसी चल रही है, आराम से लेट इट मूव फॉरवर्ड. ठीक है, नाउ लिसन चेसर्स, हम जो कर सकते थे, स्पेशली जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स मोर लाइक आप जितना कर सकते थे अकेले इस कनेक्शन के बोझ को ढोना एंड ऑल दैट स्टफ, यू ऑलरेडी डन योर वर्क. इससे ज़्यादा आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते. अब टाइम है सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने का. ठीक है, अपनी लेगेसी क्रिएट करने में आप उस पर ध्यान दो. ठीक है, इस कनेक्शन को एज अ यूनिट, लाइक आपकी ट्विन फ्लेम्स पर साथ आना और उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, अब ये रनर्स के हाथों में, ये उनका करने का टाइम है, आपका नहीं. ठीक है, आप जितना एडवांसमेंट कर सकते थे, आप जो लेवल सेट कर चुके हो, यू ऑलरेडी डन इट. अब आप ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पर बैलेंस रहते हुए आप अपनी लेगेसी पे, अपने करियर पे, अपने सोल पर्पस पे आप काम कर सकते हो.
एंड यू आर डूइंग इट। रनर्स को अपना पोजीशन लेने के लिए बाकी का काम उन्हें करना है, ठीक है। वो जो जहाँ पर वो है, पकड़ लो कार्मिक के घर पर, ठीक है, वहाँ से लेकर के आपके घर तक, आप तक पहुँचने का वो जो रास्ता तय करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू चेंज द लाइफ, ठीक है। इस ये एक उनके लिए एक जर्नी की तरह होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस तय करेंगे। कार्मिक के घर से आपके घर तक देर इज़ अ डिस्टेंस जो वो तय करने वाले, और उनका हर एक बढ़ता हुआ कदम उन्हें अपने खुद के करीब लेकर के जाएगा, अपने आप को अंडरस्टैंड करवाएंगे। लाइक दे विल रियलाइज़ कि मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा हूँ, एक्चुअली मैंने खुद ही अपने आप को गलत समझा, मैंने खुद ही अपने आप से झूठ कहा था, मैंने यहाँ यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो वो अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके हमेशा से, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्शन कितना गहरा रह चुका है कि वो यूनिवर्स का हिस्सा है, सही बात, इस बात का उन्हें अब रियलाइज़ होगा। दे विल फील कि वो हमेशा से कितना कनेक्टेड रहे थे। दिस इज़ मोर अबाउट द ट्रिनिटी, माइंड बॉडी एंड सोल, एंड उनका आपके साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है, वो कितना गहरा जाता है कि आपके कनेक्शन में हमेशा से ईश्वर थे। दे विल रियलाइज ऑल ऑफ इट, बैक टू बैक एपिफनी मोमेंट्स, दे विल रियलाइज कि इट्स लाइक हर एक बढ़ता हुआ कदम के साथ वो एक एक ब्लॉक्स रिमूव करते जाएंगे। इट्स लाइक एक ब्लॉक आएगा, वो उसे रिमूव करेंगे, एक कदम लेंगे, फिर एक ब्लॉक आएगा, इट्स लाइक वो ब्लॉक्स ऑलरेडी उनके अंदर है, वन चाक्रा के ब्लॉक्स ऑलरेडी अंदर है। एक रियलाइज़ करेंगे, ओ यहाँ पर एक कार्मिक कॉर्ड है, वो उसे प्लग करेंगे, फिर दूसरी कदम लेंगे। तो इट्स लाइक दैट, वो एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ेंगे, एंड देर बी, इसे हम एग्जैक्टली जर्नी कह सकते हैं राइट नाउ, बिकॉज वो फिजिकली मूव करेंगे, वो रास्ता तय करेंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली अगर आप दूसरे शहर में रहते हो या उनसे अनियरिंग 45-50 मिनट्स के रास्ते डिस्टेंस में रहते हो, दे विल, वो रास्ता उन्हें तय करना है। पर ये रास्ता तय करना, इट्स मोर लाइक अ मेटाफोरिक स्टफ, एक्चुअली वो अपने आप को अलाइन कर रहे होंगे इस पूरे सफर में, समझे। बट इट वॉज काइंड ऑफ फन वो विजन, कि वो ऐसे बेड से उठता है एंड घर के बाहर, एंड उसके बाद इट्स ऑल गो आए। नाउ आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कार्मिक, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, कि कार्मिक का क्या सिचुएशन है इस वक्त, लाइक हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैस्कुलिन तो अपना डिसीशन ऑलरेडी दिखा चुका है एक्शन के साथ, ही इज जस्ट बीइंग एम राइट नाउ, इज द मैस्कुलिन, वो सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा, बहुत ही स्नीकी तरीके से, लाइक छुप छुपा के, कि बिना किसी को पता है, पीठ पीछे घर के बैक गेट से ये भागा है। वील डू अ रीडिंग ऑन दैट, आई वॉन्ट टू गेट एन इन डेप्थ कि ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से ये मैस्कुलिन को ऐसा एक रास्ता अपनाना पड़ा, बिकॉज वी हैव टू फेमिनिन एनर्जीज ओवर हियर, एक उसकी बीवी बेबी मामा जो ज़बरदस्ती प्रेगनेंट ही हो गई ताकि इस मैस्कुलिन को, दिस इज नॉट अबाउट, इट्स आई एम नॉट हियरिंग, इट्स मोर अबाउट द फाइनेंस, इट इज़ मोर अबाउट उसकी खुद की को डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी। वो लिटरली इस डिवाइन मैस्कुलिन को अपना हिस्सा मान रही थी, इन द सेंस कि अगर वो नहीं है तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, इन अ वेरी टॉक्सिक मैनर, थर्ड डायमेंशनल शेड, ठीक है। तो इस कार्मिक के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, क्या हुआ था जिसके वजह से उसे ये हमारे डिवाइन मास्टर को ऐसा एक कदम लेना पड़े, पर एवरीथिंग आई वांट टू गेट अ लिटिल पिक्चर ऑन दिस, तो आई एम फीलिंग लाइक गेटिंग लिटिल नोजी हो गया, मेरा नोज भी थोड़ा इच कर रहा है, यस, विल गेट इन टू दैट वो एक अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।